हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट हो या फिर आप मैथ्स लेना चाहते हो क्लास 11 12th में या 9 10th में आप मैथ्स रखना चाहते हो तो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। सीबीएसई का क्लास 1 तारीख को आप डेट देख सकते हो यहाँ पे, 1 तारीख को आज ही क्लास सर्कुलर आया हुआ है और इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीबीएसई क्या करने वाला है, क्लास सीबीएसई इंट्रोड्यूस करने वाला है अप्लाइड मैथमेटिक्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सब्जेक्ट जो है इसका कोड है 241 एज एन एकेडमिक इलेक्टिव एट सीनियर सेकेंडरी लेवल। आप ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है और सीबीएसई की बहुत अच्छी पहल है यहाँ पे। ये लोग मैथमेटिक्स, देखो पहले क्या होता था, क्लास जो 9th 10th के बच्चे हैं, 10th में उनके पास दो मैथमेटिक्स होती थी, एक होती थी बेसिक मैथ्स, एक होती थी एडवांस मैथ्स। अभी जो बेसिक मैथ्स होती थी ये किसके लिए होती थी, जो जाके 11 12th में मैथ्स नहीं पढ़ने वाला है, जो 11 12th में मैथ्स नहीं लेगा उसको 10th में बेसिक मैथ्स की तैयारी करनी है, थोड़ा सा वो इजी होता है। लेकिन जो 11 12th में मैथ्स पढ़ेगा, मैथ्स को ऑप्ट करेगा, उनके लिए थोड़ा सा टफ मैथ्स होता है जो एडवांस लेवल पे। ये बहुत अच्छा डिसीजन था क्लास लास्ट टू लास्ट ईयर सीबीएसई का कि जो बच्चे आगे मैथ्स लेना चाहते हैं वो लोग एडवांस मैथ्स पढ़ेंगे, जो बच्चे आगे मैथ्स नहीं लेना चाहते वो इजी मैथ्स पढ़ेंगे, यानी कि बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे। अब इन्होंने फिर से पहल की है कि जो बच्चे, अच्छे सुनना क्लास, मैं पूरा कंक्लूड आपको बता रहा हूं फिर पढ़ के भी दिखाऊंगा, जो बच्चे 12th में यहां पे 11 12th में मैथ्स लेना चाहते हैं उनके भी दो पार्ट में बांट दिए मैथ्स। तो एक अप्लाइड मैथमेटिक्स होगा क्लास उनके लिए, क्योंकि देखो जो बच्चे 11 12th मैथ्स पढ़ते हैं वो साइंस वालों के मैथ्स होते हैं बेसिकली, उनको कॉमर्स में आगे जाके जो जरूरत पड़ती है लॉजिकल रीजनिंग वगैरह ये सारी चीजें, एप्टीट्यूड उनका, वो सब चीज टेस्ट हो नहीं पाता, वो मैथ्स उनका बेकार जाता है। फायदा किसको होता है, साइंस वालों का। तो जो बच्चे कॉमर्स में है, आर्ट्स में है, वो लोग चाहें तो अपने 11 12th में जिन्होंने बेसिक मैथ ली होगी वो इसको ले सकते हैं क्लास आगे 11 12th में। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स की वजह से क्या है, अब हर बच्चा जो है मैथमेटिक्स ले सकता है अपने सब्जेक्ट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, इंट्रोडक्शन ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स एज एन एकेडमिक ईयर, और ये इसी साल से लागू होगा। क्या है, इट इज ऑब्जर्व दैट, आप यहां चेक करो क्लास जो हाईलाइट हो रखा है, इट इज ऑब्जर्व दैट द इकोनॉमिक्स कॉमर्स सोशल साइंस एंड सॉरी इट इज ऑब्जर्व दैट द एग्जिस्टिंग सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स अलाइन विद द साइंस सब्जेक्ट बट डज नॉट अलाइन वेल विद कॉमर्स एंड सोशल साइंस बेस्ड सब्जेक्ट इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन। यानी कि जब आप कॉमर्स से जाते हो यूनिवर्सिटी में तो आपको जो मैथ्स पढ़ाए जाते हो बिल्कुल अलग होता है, इसीलिए आप 12th में, अब आप 11th के अंदर ही सब्जेक्ट चूज कर सकते हो अपना मैथमेटिक्स, और अपना अप्लाइड मैथमेटिक्स आप चूज कर सकते हो, थोड़ा सा इजी रहेगा और आपके काम का ही रहेगा। बाय कीपिंग दिस इन माइंड, वन मोर इलेक्टिव कोर्स इन मैथमेटिक्स सिलेबस विल बी ऑफर्ड फॉर सीनियर सेकेंडरी, सबसे ऊपर पढ़ रहा हूं, सीनियर सेकेंडरी classes with an aim to provide students relevant experience in mathematics which can be used in field of other physical sciences। यानी कि आप चाहो तो applied mathematics ले लो class 12th में जो आपके काम है। तो commerce की जितने भी students हैं मैं उन सबको suggest करूंगा class के applied mathematics जरूर लेना, ये उन बच्चों के लिए है class जो 11th में commerce लेते हैं। ध्यान रखना कि अगर आपने basic science ली, basic mathematics ली है तो आप इस चीज को ले सकते हो यहाँ पे। और देखते हैं class यहाँ पे CBSE ने और क्या कहा है, ये उनका class Twitter पे आया हुआ है notification, धीरे धीरे क्लास ऑफिशियली बिल्कुल ये अलाउ हो जाएगा क्लास, ये प्रपोजल रखा गया है यहां पे। अप्लाइड मैथमेटिक्स को 241 स्टार्टिंग फ्रॉम द करंट एकेडमिक ईयर, ये इसी साल स्टार्ट हो जाएगा 2020 और 21 सेशन से फॉर क्लास 11th। यानी कि जो बच्चा 10th के बाद अब 11th में जाएगा उसको डर लग रहा है मैथ से तो वो क्लास मैथ्स ले सकता है क्लास, उस समय उसको जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है उसको लेना पड़ेगा। सीधी सीधी बात, जैसे आप 10th में दो ऑप्शन थे आपके पास उसी तरीके से आप 11th 12th में दो ऑप्शन है आपके पास, आप चाहो तो एडवांस वाला भी ले सकते हो क्लास या चाहो तो अप्लाइड मैथमेटिक्स ले सकते हो। इसको लेने के बाद क्लास आपके फ्यूचर में काम बहुत आएगा। ध्यान रखना क्लास स्टूडेंट्स, हु हैव पास बेसिक मैथमेटिक्स 241, जिन्होंने बेसिक मैथमेटिक्स, क्लास 10th के बच्चों से बात कर रहा हूं, जिन्होंने बेसिक मैथमेटिक्स 241 जो है कोड वो 10th में लिया, आर नाउ allowed to offer new academic, यानी कि अब आपको मैथ्स मिलेगा, जिन्होंने बेसिक मैथ्स ली है उनको भी मैथ्स मिलेगा। कौन सा मैथ मिलेगा, अप्लाइड मैथमेटिक्स। और धीरे धीरे क्लास जो है बाकी सारे सब्जेक्ट में जो है ये चीजें होने वाली हैं, इंग्लिश में भी, अदर सब्जेक्ट में भी होने वाला है, जो आपके काम का है, सीबीएसई क्योंकि इंप्रूव कर रहे खुद को तो जो आपके काम का है वही आपको दिया जाएगा। क्लियर। हाउएवर इट इज वंस अगेन क्लेरिफाई दैट स्टूडेंट हु हैव पास मैथमेटिक्स बेसिक एट सेकेंडरी लेवल आर नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट मैथमेटिक्स 41 एट सीनियर सेकेंडरी लेवल, यानी कि जिन्होंने 10th में बेसिक मैथ्स लिया है वो क्लास एलिजिबल नहीं है क्लास मैथमेटिक्स एट सीनियर सेकेंडरी लेवल। यानी कि वो सिर्फ क्या ले सकते हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स ले सकते हैं, नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं ले सकते। यानी कि अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स लिया है तो आप क्या ले सकते हो, आप ले सकते हो क्लास अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th में भी। तो ये इन्फॉर्मेशन क्लास थी, यहां पे आपको ट्विटर पे क्लास ये मिल जाएगा, मैंने ट्विटर से ही क्लास ओपन करके दिखा रहा हूं आपको।
ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन सीबीएसई का यू न्यूज था। तो क्लास टेंथ जो टेंथ इलेवेंथ में स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्लास बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। तो क्लास इस वीडियो को क्लास शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, जो आपके टेंथ के दोस्त हैं उनको बोलो कि सर्कुलर आया है क्लास, ट्विटर पर जाकर चेक कर लें या वीडियो को देख के पूरा का पूरा समझ लें। फाइनल कैलकुलेट बता रहा हूँ क्लास, जो बच्चे मैथ्स लिए थे टेंथ में बेसिक मैथमेटिक्स, वो अब इलेवन ट्वेल्थ में भी मैथ्स पढ़ सकते हैं, उनके काम का मैथ्स पढ़ाया जाएगा उनको, जो कि क्लास एकेडमिक है, एकेडमिक मैथमेटिक्स, यानी कि क्लास पूरा का पूरा आपको पढ़ाया जाए क्लास अप्लाइड मैथमेटिक्स, क्लियर, ताकि आपको आगे हेल्प मिले। ओके, और जो भी क्लास स्टूडेंट्स हैं जो कॉमर्स में हैं, अगर वो कॉमर्स के 11 की तैयारी कराना चाहते हैं तो क्लास हमारा यूट्यूब चैनल है क्लास कॉमर्स पांडा 11, तो यहां पे आप चाहके अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स का पूरा प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप क्लास 11 कॉमर्स लेते हो तो पूरे ईयर एंड तक मैं आपकी हेल्प करूंगा क्लास। तो ये सारी चीजें जो है ये रहा क्लास, यहां पे सारी की सारी वीडियोज आपको चैनल के अंदर मिल जाएंगी जो बेसिकली कॉमर्स क्लास 11 के अंदर होंगी, बिल्कुल नई पहल। तो आप लोग क्लास जुड़े इसके साथ, अपने सारे दोस्तों को बताओ कि कॉमर्स अगर पढ़ना है तो क्लास कॉमर्स पांडा 11 क्लास है चैनल का नाम, वहां से आप सारा का सारा कॉमर्स पूरा कोर्स ए टू जेड फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड प्रैक्टिस पेपर रिवीजन सब चीज इसके अंदर होगी। ठीक है, चलो क्लास बाय बाय, टेक केयर। और अगर बोर्ड का कोई भी नोटिफिकेशन आता है, जल्दी ही सीबीएसई 12th वालों का पेपर का नोटिफिकेशन आने वाला है, अगली डेट क्या होगी, तो सबसे पहले आपको हमारा चैनल जो अपडेट करेगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो क्लास, अच्छा लगे लाइक करके सारे के सारे दोस्तों में शेयर कर दो। थैंक यू वेरी मच।